हेलो एवरीवन, ये जो आप व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये एग्जांपल 12.8 है, पेज नंबर 214। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। इसके पहले भी मैं आपको बहुत क्वेश्चंस बता चुका हूँ, जैसे एग्जांपल 12.5, 12.6 और 12.7। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ऊपर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रेस्पेक्टिवली, व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट, एंड थर्ड क्वेश्चन द टोटल सर्किट, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, या इधर द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन, ये डायग्राम जो है वो उन लोगों ने बना रखा है। वो कह रहा है कि जो तीन रेजिस्टर है, देखिए R1, R2, R3 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो करंट जो पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब आप लोग को पता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, और सीरीज में क्या होता है, करंट डिवाइड नहीं होता और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जब 12 वोल्ट की बैटरी है, स्विच ऑन है, तो यहाँ से आई जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई R1, R2 और R3 एक एक का हमें बताना है कि उसमें कितना आई जो है लग रहा है। तो वही पहला क्वेश्चन है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो देखिए ईच रेजिस्टर में वो पूछा है ना हमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो ओम्स लॉ आप लोग पता है, वी इक्वल्स टू आई आर, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग इंडिविजुअली एक एक का आई फाइंड कर लेंगे। जब वी डिवाइड नहीं होता तो तीनों के लिए वी जो होगा सेम होगा, दैट इज 12 वोल्ट। देखिए कैसे किया जाएगा, अगर मैं मुझे पता करना है कि R1 में क्या, मतलब R1 में कितना करंट जाएगा तो कैसे करेंगे, हमें ओम्स लॉ पता है वी इक्वल्स टू आई आर। मान लो कि जो करंट यहाँ जाएगा I1 बोल दूं इसको, I2 बोल दूं इसको, I3 बोल दूं, तो मुझे अगर I1 कैलकुलेट करना है, सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दी I1 कैलकुलेट करना है, तो V बाय R, इसको मैं R1 बोल दे रहा हूँ ऑलरेडी, R1, तो क्या हो जाएगा, V कितना है हमारे पास 12 है, और R1 कितना है, R1 हमारे पास क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं 5 ओम है, तो 12 बाय 5 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 2.4 एम्पीयर के करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 2.4, मतलब I1 में जो करंट, I1 करंट जो R1 को चाहिए वो कितना करंट है, 2.4 एम्पीयर। नाउ लेट्स कैलकुलेट द I2 जो R2 में जा रहा होगा, तो I2 का क्या आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू V/R2। यहां V कितना है, यहां पे भी 12 होगा क्योंकि करंट जो सॉरी वोल्टेज जो है वो पैरेलल में क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। तो 12/R2, R2 कितना है आपके पास, 10 ओम, कितना है 10 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये डिवाइड करोगे 12 को 10 से तो कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पीयर, ठीक है। ये I2 आया हमारे पास, ये I2 आया, ये I2 था एंड दिस इज I1, 2.4 एम्पीयर। नाउ लेट्स कैलकुलेट दी I3, लेट्स कैलकुलेट दी I3, I3 कितना आ जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू V/R3, V कितना 12, R3 कितना 30 ओम, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 120, तो 0.4, ये कुछ आपका आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। I3 इतना करंट जो है R3 कंज्यूम कर रहा होगा, है ना, 0.4 एम्पीयर, ठीक है, 0.4 एम्पीयर, ओके भाई। अब देखिए ये एक एक का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आई निकाल लिया, एक एक रेजिस्टर में कितना करंट बह रहा है वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, जब टोटल करंट पूछ रहा है तो टोटल करंट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, टोटल करंट पूछ रहा है, तो ये टोटल करंट हम लोग को ऐड कर देना है कि सर्किट में, यहाँ से करंट डिवाइड हो जा रहा होगा लेकिन यहाँ पे फिर आके एक हो जा रहा होगा, तो टोटल करंट वही होगा, क्या होगा, मैं टोटल करंट मतलब I3 यहाँ निकालना है, तो मैं I1 + I2 + I3 को ऐड कर दूंगा, तो टोटल करंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.4 + 1.2 + 0.4, तो ये 2, 3 और 4, 4 और 2, 10, 3, 4 एम्पीयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
4 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगा, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब देखो हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना है, तो आप लोगों को अरेंजमेंट दिख रहा होगा कि ये किस चीज में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। क्या होता है? 1/R3 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो वो फॉर्मूला होगा, क्या बोल रहा है? टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सी सी नंबर का आंसर है। तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 1/R1 R1 कितना है 1/R1 5 R2 कितना है 1/10 10 + 1/30। अब क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है, तो 5 10 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है? हमें क्या करना होता है? हमें सेम करना होता है कि ये जो तीनों है वो किस टेबल में है जो कॉमन आते हैं, दैट इज व्हाट एलसीएम। तो 30 आ गया। अब 30 लाने के लिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, 3 से 10 × 3 = 30, तो ऊपर भी किससे करना पड़ा होगा, 1 × 3, दैट इज +3 + 5 = 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 1 = 9, 10 और 10/30, तो ये कितना हो गया? 10/30, दैट इज 0 से 0 गया, दैट इज 1/3। तो 1/RP आया कितना? 1/3। अगर बात करें आरपी की तो बस उल्टा कर दो, 3/1, दैट इज आंसर। आरपी कितना गया? 3, ये आंसर आ गया। मतलब टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल अगर रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना सर्किट में, तो अरेंजमेंट देख के कैलकुलेट कर लेना है। वही सीरीज में होता तो ऐड करते, पैरेलल में है तो हमने ऐसा कुछ किया, और आंसर क्या है? R3 = 3 आया, 3 ओम, सॉरी यूनिट लगाने भूल गया था। तो क्वेश्चन है बहुत ईजी था, और बाकी क्वेश्चन भी जो है आपके एनसीईआरटी में बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं एक एक करके अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, और आप लोग बताएंगे कि अब आप लोग को अगला क्वेश्चन कौन सा है जो आप लोग को सॉल्व करवाना है, आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा है, जो आप लोग डाउट में है, तो आप लोग उसको क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे, और आप लोग अच्छे से घर से जो उस पर देख सकते हैं। और प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि कैसे है, समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है, आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे। Till then, take care, bye bye, thank you so much.